हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं बटर फिश की रेसिपी। ये रेसिपी मेरे पापा की है और वही इसको आज बनाएंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, येलो वाली जो मिर्च होती है पिसी हुई वो ली है, और बहुत सारी हरी मिर्च ली हैं, और ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको गोल गोल कट कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कप काजू का, नारियल का और मैंगो का पेस्ट बना कर ले लिया है हमने यहाँ पर। और ये थोड़े से मखाने लिए हुए हैं और एक टोमेटो की प्योरी ली है हमने, और ये एक बटर लिया है बड़े टाइप वाला। और यहाँ पर हमने ये फिश ली है, अच्छे से वॉश कर लीजिए आप इसको फिश को। और ये यहाँ पर मैं पुरानी वाली कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें जो खाने का स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बहुत सारा तेल सरसों वाला, अच्छे से हम इसमें मछलियों को फ्राई कर लेंगे वॉश कर कर। सिर्फ कुछ भी मसाला भी नहीं डालना है, सिर्फ डायरेक्ट फ्राई करना है हमें इसे। ये देखिए इसी तरह हम सभी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं, इसी तरह सब कर लीजिए आप। ये देखिए सभी हमने अच्छे से फ्राई कर ली हैं, इसी के साथ हम इसमें मखाने भी फ्राई कर लेंगे। इसका जो कलर है बिल्कुल थोड़ा सा पिंकिश होना चाहिए, इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छे से आप इसको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए ये थोड़ा सा कलर इसमें चेंज होने लग गया है, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी के साथ ही प्याज भी फ्राई कर लेंगे। प्याज का जो कलर है हमें बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हमें इसको फ्राई करना है, क्योंकि अभी हम इसको पीसेंगे तो थोड़ा सा ही हमें इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यही कलर होना चाहिए, बस इतना ही फ्राई करना है हमें। हमारे मखाने भी फ्राई हो चुके हैं और प्याज भी। अब हम इसको पेस्ट बना लेंगे इसका। थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे बस हमें इसमें। अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अभी ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमने एक पॉट लिया है, इसमें डाल दिया है 3 बड़े चम्मच ऑयल, और साथ ही में डाल देंगे टोमेटो प्योरे और हरी मिर्च बड़ी बड़ी 3 से 4, और ये येलो वाली जो मिर्च है 2 चम्मच डाल रहे हैं हम इसमें, और साथ ही में थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। एक से 2 चम्मच डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। और अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम आप कर रखिए। और जितना हमारा मसाला भुना हुआ होगा इतनी ही बढ़िया हमारी बटर फिश बनकर तैयार होगी। आप बस ये प्रोसेस ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छे से हमें इसको भून लेना है, बिल्कुल हाई फ्लेम आप कर रखिए इसकी। तीन से 4 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा पानी हम इसमें अभी और डाल रहे हैं। ये जो हमारा पेस्ट था मखानों और प्याज का, अब हम ये भी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी, और अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया होगी। ये देखिए थोड़ा सा ठीक होने लग गया है, फ्लेम बस आप हाई कर रखिए। साथ ही में डाल देंगे हम ये काजू, नारियल और मैंगो का जो पेस्ट था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए कितना थिक हो गया है, ये बहुत ही बढ़िया हमारा मसाला बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छे से हम इसको भून लेंगे, जितना ये भुना हुआ होगा इतना ही बढ़िया हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई फिश।
यहाँ पर मैंने ये 15 से 20 पीसेस लिए हुए हैं फ़िश के, स्मॉल साइज़ वाले, इतने जो होते हैं बिल्कुल ना ही ज़्यादा स्मॉल, मीडियम साइज़ वाले जो पीसेस हैं वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और अभी हम इसमें डालेंगे खूब सारा बटर, पीसेस कर कर आप इसमें डालिए, 3 पीसेस डाल दीजिए आप बटर के बड़े बड़े, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होगा। अभी हमें क्या करना है, इसको जो हमारे जो पॉट है इसको कपड़े की मदद से पकड़कर इस तरह से आप हिलाइए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें, और ऊपर से डालिए आप इसमें कसूरी मेथी बहुत सारी। अभी बस आप इसको ढक दीजिए और 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कीजिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी बटर फिश बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही डिलीशियस ही बनकर तैयार हुई है और बहुत ही कम टाइम में। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर होता है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।